हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो आज की वीडियो की स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह से। सुबह के बज चुके हैं 7। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था कुकर, तो सब्जी बना रही थी मैं। चाय वगैरह हो चुकी है 2-3 बार, सब ने पी ली, सब उठ चुके हैं, बच्चों के क्लासेस शुरू हो चुके हैं। और सब्जी वगैरह मैंने काट के रख ली थी, सब्जी बना रही थी मैं आलू की और गाजर की, और मेथी वगैरह कुछ थी नहीं, वरना इसके अंदर डाल लेती तो अच्छी लगती। वैसे तो है मेरे पास सूखी जो कसूरी मेथी होती है वो वाली, तो वही डाल रही थी मैं सब्जी के अंदर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी चढ़ा दिया था, प्याज मैंने इसके अंदर डाले नहीं थे क्योंकि, और घी बहुत ज़्यादा ही गर्म हो चुका था। तो मैंने जैसे ही जीरा डाला तो एकदम से जीरा पक चुका था, और फिर साथ साथ में ही मैंने डाल दिए थे टमाटर। उसके बाद सभी सूखे मसाले अपने जो डेली बेसिस में डलते हैं वही, और थोड़ी सी कसूरी मेथी, और ये जो लास्ट में डाला था ये थी कचरी जो सूखा के जिसका मैंने पाउडर बना के रखा हुआ था वो, और फिर डाल दिया था थोड़ा सा पानी, और फिर मसाले ने तेल छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी थी अपनी कटी हुई सब्जियाँ जो आलू और गाजर, और इसको मैं अच्छे से मसाले में मिक्स करके इसके अंदर डाल दूँगी 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी, क्योंकि इतना पानी तो चल ही जाता है, आलू है तो इतना पानी तो इसके अंदर चला ही जाएगा। ये ना तो ज़्यादा तरी वाली बनेगी और ना ही सूखी। और सब्जी अभी मेरी चल ही रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा गीला गीला सा था तो मैं यहाँ पे लगी थी अपने स्लैब को साफ़ करने के लिए, चाय वगैरह के बर्तन साफ़। अभी वैसे ही सिंक भरा का भरा ही है, तो पहले करूँगी मैं बर्तन वगैरह साफ, फिर मैं बनाऊँगी यहाँ पे रोटियाँ। तो झाड़ू पोछा भी मेरा हो चुका था, और एक बार पहले भी रोटी मैंने बना ली थी क्योंकि ये जा चुके थे खा के, तब बनाई थी बाजरे की रोटी, 4-5 ही रोटी बनाई थी। वैसे बच्चों का बस कुछ दिन का ही शौक था, वो पूरा हो चुका है। अब जैसे ही मैं रोटियाँ बनाना शुरू कर देती हूँ तो बच्चे पहले ही बोल देते हैं कि हम नहीं खाएंगे बाजरे की रोटी, हमारी गेहूँ की बना देना। तो 2-4 दिन का शौक था वो पूरा हो चुका था, और खाना वगैरह होने के बाद सारा काम अच्छे से निपट चुका था मेरा, और समय हो चुका था शाम के 2:30 बजे के, 2:30 बज चुके थे। तो इस बीच मैंने थोड़ा सा बाजरा बाहर धूप में सुखा दिया था क्योंकि चून ख़त्म हो चुका था बाजरे का मेरा। अब मैं रोटियां बनाती हूँ, सिर्फ 4-5 रोटियां अगर कोई खाए तो ठीक है, ये तो खाते ही हैं, इनको तो चाहिए बाजरे की रोटी सुबह सुबह, और बाकी हमारी गेहूँ की बनाती थी। तो फिर बाजरा मेरा अच्छे से ये सूख चुका था, मैं इसको पीस लूँगी, अभी लाइट आई हुई थी तो इससे पहले कर रही हूँ मैं इसको साफ। वैसे जो इसको छाज को हिला हिला के इस तरह से करते हैं तो इसको बोलते थे क्या, इसे जो इसके अंदर थोड़ा बहुत जो कूड़ा करकट है वो हवा इसके फटकारे के साथ ही बाहर निकल जाएगा। वैसे ज़्यादा अच्छे से मेरे को ये करना नहीं आता, लेकिन फिर भी अपना काम निकाल लेती हूँ ऐसे हिला हिला के इसको थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से हिलाती हूँ तो मेरा बाजरा ही बाहर निकल जाता है। और फिर बाजरा को साफ़ करने के बाद यहाँ पे जो ये फ्लावर पॉट मैंने खुद ने बनाए थे पिंटू ने, उसके अंदर डाल दी थी मिट्टी, तो इसके अंदर भी कुछ लगाएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और थोड़े से रखे थे गेहूँ, ये भी मैं अब चलाऊँगी थोड़ी देर में चक्की, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे मेरे पास रखी थी कुछ जो छोटे जो गाड़ी वगैरह में जो पंखे लगाते हैं उनकी जो ताड़ी वगैरह रखी थी टूटी हुई वो, तो इनको मैं कर लूँगी साफ अच्छे से क्योंकि इनका मैं कुछ बनाने वाली थी। तो आज तो पहले मैं इनको साफ़ ही करूँगी और फिर देखती हूँ मैं इनको कब क्या करूँगी, कुछ भी आए वाए तो मैं करके देखूँगी देखूँगी, अगर कोई अच्छी चीज़ अगर बनती है तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने टप में थोड़ा सा सरफ डाल दिया था और उसके अंदर डाल दिया था पानी, और इनको एक एक को अच्छे से इसके अंदर डाल डाल के और मैं साफ़ कर लूँगी, फिर करूँगी इनके ऊपर पेंट वगैरह। तो ये आगे की जो कार्रवाई होगी वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो इनको एक एक को करके इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, कुछ ताड़ी ऐसी भी थी जो टूटी हुई थी तो उनको देखती हूँ कैसे तार वगैरह से बांध के इसको करूँगी अच्छे से ठीक। और यहाँ पे मलाई से घी निकाला जा रहा था रिट की सहायता से, ये कुलदीप ने की थी कार्रवाई कि दादी इससे भी लोगे देखो। तो
पेंट वगैरह अभी किया नहीं था, चून वगैरह मैंने पीस लिया था, बाजरे का पीसना था वो। फिर मैं लगी थी यहाँ पे सब्जी, शाम की सब्जी की तैयारी करने, 5 बजने वाले थे। तो आज ही मैंने सब्जी ली थी सिर्फ 2 टाइम की, क्योंकि इन्होंने कहा कि यहाँ की, यहाँ भी अगर एक एक सप्ताह के लिए सब्जी ले रख के फ्रिज में क्या करोगे, जब हर रोज़ सब्जी वाला आता ही है गेट पे। तो ये मुझे भी बात ठीक ही लगी कि हाँ, हर रोज़ सब्ज़ी ताज़ा देने वाला आता है, तो फिर एक हफ्ते का स्टोर करके भी मैं क्या करूँगी। तो सब्ज़ी वगैरह काटने के बाद वो जो महकमा था वो दे दिया था नीशू को, क्योंकि सब्ज़ी बना रही थी नीशू शाम की, और मैं यहाँ पे लग गई थी फिर प्रेस करने, और आटा वगैरह लगाऊंगी बाद में। और इसी बीच यहाँ पे आ गई थी पिंटू, तो जो सब्ज़ी वगैरह मैंने इसको दी थी निकाल के, जो उसके मटर के छिलके वगैरह थे, तो मैंने कहा कि नीशू इस दूसरी साइड में, हमारे यहाँ पे जो मंदिर के साइड में एक है खोर टाइप है, उसके अंदर डाल देते हैं, अगर कोई बची हुई रोटियाँ सब्जी आटा वगैरह भी डाल देते हैं वैसे। तो जो मटर के छिलके वगैरह थे वे मैंने इसको दिया, तो पहले तो मना करती रही, लेकिन फिर लेके चली तो हर 2 कदम के ऊपर इससे ये गिरते ही चले गए। तो जैसे वो कहावत होती है ना कि रोते रोते जाए और मरे की खबर लेके आए, तो बिल्कुल वही हो रहा था इसके साथ। 4 कदम रखती थी फिर गिर जाते थे, थोड़े से थोड़ी सी और आगे सरकती थी तो फिर गिर जाते थे, क्योंकि जो मैंने कोई डाल के दिए थे उसमें इसने नहीं लिए थे, बिल्कुल छोटी सी थैली लेके चली थी। और अब देखते हैं ये दूर पहुंच पाती है कि नहीं। एक बार फिर से गिरा दिया था, 2 बार गिरा चुकी है अब से पहले, और सामने जेम्बो की नज़र भी इसी तरफ है कि हाँ कुछ लेके आ रही है तेरे पास ही है। और नीशू बना रही थी सब्जी, तो यहाँ पे खाना पीना हमारा सब हो चुका था, बर्तन वगैरह भी कर लिए थे, तो मैं कर रही थी लास्ट में गैस को साफ और स्लैब को साफ। ये इसका ये होता है कि अगर शाम को साफ़ करके सोते हैं सारा काम, तो सुबह थोड़ा सा अच्छा लगता है किचन में भी, और अगर ऐसे कैसे ही करके छोड़ देते हैं तो फिर वो सुबह करना पड़ता है। एक आध बार हो भी जाता है मेरे से, ये नहीं है कि मैं डेली ऐसे करती हूँ, एक आध बार हो जाता है अगर, या कुछ आलस के कारण भी मैं कई बार छोड़ ही देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर कर ही देती हूँ साफ़। तो सुबह सुबह रसोई को खोलो तो फिर थोड़ा सा अच्छा सा अच्छा सुकून सा मिलता है कि हाँ बिल्कुल किचन मेरी साफ़ है। और ये जो काम था जो मैं अब कर रही हूँ बिल्कुल लास्ट में, 9:30 बजने वाले थे, वो था इस बेड के ऊपर, बच्चों के बेड के ऊपर चादर बिछाने का। और इस काम के लिए मैंने इनको 10 बार बोल दिया था पहले ही कि चादर बिछाओ चादर बिछाओ, लेकिन नहीं, यही है कि ठीक है कर लेंगे, हाँ बिछाएंगे, लेकिन तब तक मम्मी नहीं करवाती तब तक काम इनका होता ही नहीं है। और एंडिंग में फिर वही हुआ, हर औरत के साथ होता होगा शायद ये कि मम्मी को तो करवाना पड़ता है, लेकिन मम्मी की थोड़ी सी सुनाई कम ही होती है। हाँ मैं, मम्मी भले ही भोंकती रहे कि ये काम कर दे ये काम कर दे, लेकिन कोई सुनाई करता ही नहीं बच्चा। और इनका फिर लास्ट में करवाना पड़ता है, एक बार तो सोच लेती हूँ कोई नहीं अपने आप ही चाहेंगे तो ठीक है, वरना पड़े रहो ऐसे ही, लेकिन फिर करवानी पड़ी है। और बहुत बार बोल चुकी थी मैं पहले ही, लेकिन फिर एंड में आके मैंने इस लास्ट में ये काम मैंने ही इनका करवाना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने इसकी लगी थी चादर बिछवाने, और ये गर्म चादर है, ये ऐसे नहीं आप इसके ऊपर चाहे किसी तरह कूदते रहो ये खट्टी नहीं होगी, अच्छे से इस पे गद्दे के ऊपर ये चिपक जाती है, क्यों कुछ जो गद्दे के कवर हैं वो भी ऐसे ही हैं थोड़े से। और एंड में दिखाती हूँ मैं आपको अपने जूते जो आज मैं लेके आई थी, इससे पहले एक जो अलग लेके आई थी मैं, लेकिन वो घर आने के बाद कोई खास मेरे को पसंद में नहीं आए, और कुछ फिर उसमें दिक्कत आ गई थी कि 1-5 नंबर का जूता लेके आ गई थी, वो 1-6 नंबर का था, वहाँ दुकान पे देखे तो ठीक थे, वो पता नहीं डालने में कुछ गड़बड़ हुई, तो फिर वो गई थी चेंज करवाने, लेकिन फिर उसकी जगह पर मैं ये जूतियाँ लेके आई थी। और फिर ये था इसका लास्ट का काम जेम्बो की मस्ती का, क्योंकि इस टाइम इसको बाहर जाना होता है तो बहुत खुश होता ही है, पूरी नौटंकी करता है, एक बार गेट के पास जाएगा भाग के, फिर वापस काट के ऊपर आके बैठेगा, फिर दूसरी साइड भागेगा, क्योंकि इसको पता है कि बाहर तो जाना ही जाना है, तेरे को लेके तो जाएंगे ही, फुल ड्रामेबाज है ये। और ये ड्रामा इसका हर रोज इस टाइम दिखता ही दिखता है, क्योंकि इसको पता है 10 बजे के करीब तेरे को एक बार बाहर लेके जाएंगे, तो 10 बज चुके हैं अब,
और बाकी सारा काम मेरा हो चुका था। तो और ज़्यादा लंबा वीडियो को ना खींचते हुए मैं बस यहीं पे अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की वीडियो, आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो कल फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। गिरा दिया। चल।